और समझो। इनडिफरेंस का एनालिसिस, ठीक है। सुनो ना, अभी तक हम लोग जितना भी रिलेशन पढ़ रहे थे, क्या चीज का पढ़ रहे थे बताओ? प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड। अब प्राइस डिमांड नहीं आएगा। नाउ वी आर ओनली स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू कमोडिटीज। डिमांड ओवर हो चुका है, बता चुके, डिमांड इज ओवर। वी आर स्टडिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिमांड, लास्ट पार्ट ऑफ डिमांड, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अभी जो हम लोग जितना भी रिलेशनशिप पढ़ेंगे ना, वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू कमोडिटीज, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। एक्स वाई नहीं पसंद है तो दूसरा नाम रख लो, दूसरा नाम कुछ भी, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एनीथिंग यू वांट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, की रिलेशनशिप बिटवीन टू कमोडिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन टू कमोडिटीज, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी। सुनो, व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ कमोडिटी बंडल कंसिस्टिंग ऑफ सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई, गिविंग द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यही वाला डेफिनेशन, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, यू आर गोइंग टू रिपीट अपने आप। देखो क्या बोले, इंडिफरेंस कर्व लोकस का पहले मतलब समझो क्या होता है। ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व बनता है ना, इसको हम लोग लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? लोकस है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, ईच पॉइंट लाइक ए बी रिप्रेजेंटिंग अ कमोडिटी बंडल। व्हाई इट इज अ बंडल? बिकॉज इट इज कंटेनिंग वन कमोडिटी की मोर देन वन कमोडिटी। और कोई भी चीज में एक से ज्यादा चीज होता है उसको बंडल बोल सकते हैं क्या? हाँ। एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू कमोडिटीज। व्हाट आर द नेम ऑफ टू कमोडिटीज? सो कमोडिटी बंडल ए में देख रहे हो कुछ अमाउंट ऑफ एक्स है और कुछ अमाउंट ऑफ वाई है, वैसे ही कमोडिटी बंडल बी में कुछ अमाउंट ऑफ एक्स और कुछ अमाउंट ऑफ, गिविंग द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दिस मीन्स आइदर यू परचेज कमोडिटी बंडल ए और यू परचेज कमोडिटी बंडल बी, यू आर गोइंग टू गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो ध्यान से बोर्ड में एक बार देखो, कमोडिटी बंडल ए में कितना यूनिट ऑफ एक्स है? इतना। और कितना यूनिट ऑफ वाई है? इतना, ठीक है। और कमोडिटी बंडल बी में वाई ज्यादा है और एक्स क्या है? समझ में आता है ना तुम लोगों को ग्राफ? कमोडिटी बंडल बी में देखो एक्स कितना है? इतना। और वाई कितना है? इतना। और ए में एक्स इतना है और वाई, तो आर दे कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई? यस और नो? स्टिल आइदर यू कंज्यूम ए और यू कंज्यूम बी, योर सेटिस्फेक्शन लेवल आर बोथ सेम। इन बोथ द केसेस योर सेटिस्फेक्शन लेवल इज, क्यों होता है ऐसा? तभी तो कर्व का नाम क्या है? इनडिफरेंस कर्व। दैट इज अ कंज्यूमर विल रिमेन इनडिफरेंट, इम्पार्शियल टू एनी पॉइंट ऑन द सेम इनडिफरेंस कर्व। यानी अगर एक ही इनडिफरेंस कर्व है, सपोज पॉइंट सी है, सी में भी अलग यूनिट ऑफ एक्स अलग यूनिट ऑफ वाई है, तो भी तुम्हारा सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा? सेम। वाई? बिकॉज सी इज ऑल्सो लाइंग ऑन अ सेम इनडिफरेंस कर्व। एनी पॉइंट ऑन द सेम इनडिफरेंस कर्व विल गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर पॉइंट डी बना दे तो, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन अ सेम इनडिफरेंस कर्व, तभी तो कर्व का नाम क्या रखा गया? इनडिफरेंट। मतलब कि कंज्यूमर इनडिफरेंट रहेगा। इनडिफरेंट मतलब क्या होता है? इम्पार्शियल। आई एम इनडिफरेंट टू यू ऑल, इजंट इट? आई एम इम्पार्शियल टू यू ऑल। ऐसा नहीं है कि इसको अच्छा पढ़ा रहे, इसको गंदा पढ़ा रहे, सबको इक्वली पढ़ा रहे। आई एम इनडिफरेंट। तो वैसे ही अ कंज्यूमर विल रिमेन इनडिफरेंट टू एनी पॉइंट ऑन द सेम इनडिफरेंस कर्व। आइदर यू कंज्यूम ए और बी और सी और योर डी, योर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल रिमेन द सेम। आर यू फॉलोइंग? एनी पॉइंट ऑन द सेम इनडिफरेंस कर्व विल गिव यू द सेम लेवल ऑफ, बट माय क्वेश्चन इज आर दे कंसिस्टिंग ऑफ सेम यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट? इसके बावजूद भी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहने वाला है? और एक चीज देखो ना, ए से अगर तुम बी में जा रहे हो तो तुम वाई को क्या कर रहे हो? और इसको क्या कर रहे हो? और फिर सी में जा रहे हो तो और वाई को बढ़ा रहे हो और एक्स को, यानी अगर एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा को क्या करना पड़ रहा है? आर यू फॉलोइंग? और अगर इसको बढ़ाओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? कैन यू इंक्रीज बोथ द कमोडिटी का कंजम्पशन एट द सेम टाइम? दोनों को एक संग बढ़ा सकते हो? इसको बढ़ाओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो यानी दोनों में रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स। तभी तो शेप क्या बनाया है? डाउनवर्ड शेप। क्या है इसका? व्हाई? बिकॉज बोथ द कमोडिटीज आर इनवर्सली। इफ यू वांट टू कंज्यूम मोर ऑफ वाई, यू नीड टू फोरगो एक्स। फोरगो मतलब गिव अप। एंड इफ यू वांट टू कंज्यूम मोर ऑफ एक्स, यू नीड टू फोरगो वाई। समझ में आ रहा है? नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि हम ये वाई क्यों लिखे, तो एक्स एक्सिस है। अरे ये तो नेम है कमोडिटी का, किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा है? फिर उसको आगे समझ में ही नहीं आ रहा होगा, यहीं अटक गया होगा। एक्स एक्सिस है, तुमको अगर यहाँ कमोडिटी एक्स लिखना है, तुम एक्स लिख लो।
नेम है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट डॉट, बोले तो एप्पल लिख लो या ऑरेंज लिख लो, एनीथिंग यू कैन राइट, ठीक है। तो रोम सेमी एक्स एक्सिस में आप कमोडिटी वाई क्यों लिखे हैं, तुम एक्स लिख लो, एक ही बात है, जैसे नेम ऑफ अ कमोडिटी। वापस से सुनो, इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ कमोडिटी बंडल कंसिस्टिंग ऑफ सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई, गिविंग द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नाउ हैव यू फॉलोड दिस डेफिनेशन, बोलो। इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ बंडल कंसिस्टिंग ऑफ गिविंग द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ, दैट इज टू से एनी कंज्यूमर विल रिमेन इनडिफरेंट टू एनी पॉइंट ऑन द, आर दे कंसिस्टिंग सेम यूनिट ऑफ एक्स एंड सेम यूनिट ऑफ वाई, ए और बी कंपेयर करो, मेरे को बताओ वाई कमोडिटी ज्यादा किस में, ए में कि बी में, और एक्स ज्यादा किस में, एंड बोथ द कमोडिटीज का कंजम्पशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली, वाई को इंक्रीज करोगे तो एक्स को भी इंक्रीज करना होगा क्या, इसको बढ़ाओगे तो इसको, तो देखो शेप क्या है, डाउनवर्ड आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, आईसी कर्व इज आईसी मतलब ठीक है, इट इज डाउनवर्ड स्लोप, क्लियर है यहाँ तक। अब सुनो, वी नीड टू लर्न व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देयर आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सुनो ध्यान से। फर्स्ट प्रॉपर्टी, हायर इज द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर इज द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो अभी कितना इंडिफरेंस कर्व बना दिए, दिख रहा है, ध्यान से मेरे को बताना जो जो हम पूछेंगे, ई खाओगे कि एफ, ई खाओगे कि एफ, बोथ आर लाइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, अभी तो पढ़े हो, एनी पॉइंट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू द प्रॉपर्टी, क्या पढ़ाए, हायर इज द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ ई, और डी में किसको खाओगे, क्योंकि ई ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा बिकॉज इट इज लाइंग ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व, अभी तो पढ़ा है, ज्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर है तो उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, बट सेम इंडिफरेंस कर्व में तो क्या होगा, सेम, ई और ए, ई और बी, ई और एफ, एफ, ई और एफ, ई और डी, ई और ए, एफ और ए, ई, भले ही नहीं पूछो, एफ और बी, ए और बी, डी और बी, D और F, F A, F B, E F, don't get confused. Last time, E और A, E और B, E और D, E और F. समझ में आया? Any point on the same indifference curve will give you the same level of satisfaction. Higher is the indifference curve, higher is the level of satisfaction. Or I can say utility. Because utility means what? Satisfaction. So higher is the IC, higher is the level of utility. And vice versa. Vice versa means lower is the IC, lower is the utility. Clear? Point number two, second feature. Indifference curve is downward sloping. Already you know it. Indifference curve is? Now my question is why it is downward sloping? Inverse relationship between two commodities. If you want to consume more of X, forego some amount of Y. And if you want to consume more of Y, forego some amount of X. You cannot increase both the commodity at the same time. एक को बढ़ाओ तो दूसरा को कम करो, समझ में आया? Point number three, indifference curve is convex to the origin. Indifference curve is now what is convex? सुनो, ये origin है, this is convex, bulging towards the origin. Concave होता है उल्टा ऐसा, ठीक है? बचपन में mirror में पढ़े होगे, lens physics में, concave lens, concave mirror. कॉन्वेक्स मिरर, तो तुम लोग का रॉन्ग हो जाता, तो समझ में नहीं आता था कहाँ से रे आएगा, यहाँ से कि यहाँ से, रे डायग्राम किए हो कभी, वही तो आता था कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, तो इट इज व्हाट, कॉन्केव की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स मतलब बल्ज इसका कहाँ पे है, ओरिजिन, और जब उल्टा साइड हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्केव, समझ में आया? सो इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉन्वेक्स। Now why it is convex to the origin? Very important question. This convexity of IC curve is because of one law that operates here. The name of the law is law of diminishing. No. Listen, law of diminishing marginal utility किसका reason था? Law of demand का.
तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हम लोग, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट, बोलोगे लॉ का ही नाम इतना बड़ा है तो उसका डेफिनेशन कितना बड़ा होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, दिस लॉ स्टेट, ध्यान से सुनो, एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ वाई वी नीड टू फोरगो लेसर एंड लेसर ऑफ एक्स टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अच्छा पहले बताओ, डू यू एडमिट कि इसको बढ़ा रहे तो इसको कम कर रहे हैं, यानी इन अदर वर्ड्स कैन आई से आई एम सब्स्टिट्यूटिंग वाई फॉर एक्स या एक्स फॉर वाई, सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हैं तो यानी तुमको क्या निकालना है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूट करें स्मॉल अमाउंट से तो इसलिए नाम क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब होता क्या है, ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ता नहीं है, फॉल होते जाता है, इसलिए लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई. हम लोग का जनरल सेंस क्या बोलेगा, अगर कम्युनिटी वाई को 2 यूनिट से इंक्रीज किया हो तो कम्युनिटी एक्स को कितना से डिक्रीज करो, बट ऐसा नहीं होता है, दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ऐसा नहीं होता है. हो सकता है कि तुम कम्युनिटी वाई को 2 से इंक्रीज करो और कम्युनिटी वाई को 1 यूनिट से फोर को कर रहे हो, समझ में आ रहा है. अब नेक्स्ट कम्युनिटी वाई को और इंक्रीज किए 3 यूनिट से तो इसको फोर को कर रहे हो 0.5 यूनिट से, तो जितना ज्यादा ज्यादा इसका कंजम्पशन कर रहे हो ना उतना कम कम इसको छोड़ना पड़ रहा है, यानी जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, इसलिए लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई. एज यू गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ वाई यू नीड टू फॉरगो गिव अप लेसर एंड लेसर ऑफ वाई, सॉरी एक्स. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको ज्यादा ज्यादा खा रहे हो तो इसको ज्यादा ज्यादा कम करोगे कि कम 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 करोगे, कम 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 करोगे का मतलब समझ में आ रहा है, कम कम फोरगो करोगे बोलो, कम कम सैक्रिफाइस करोगे, कम कम छोड़ दोगे, ठीक है, कम 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 करोगे मतलब समझ में आया. इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ वाई यू नीड टू फोरगो लेसर एंड लेसर ऑफ, दैट इज रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज, देखो ध्यान से बोर्ड में, दिस इज योर चेंज इन वाई एंड दिस इज योर चेंज इन एक्स, y इतना बढ़ा है तो x कितना कम किया, इतना. अब देखो y और बढ़ा है तो x देखो ज्यादा कम कर रहे हो कि कम कम कर रहे हो, समझ में आ रहा है, y इतना बढ़ा है तो x इतना खोए ना, अब y और ज्यादा बढ़ा है तो x ज्यादा कि कम, आर यू फॉलोइंग दिस, यानी दिस चेंज इन x इज गेटिंग फोरगोन बाय लेसर एंड लेसर अमाउंट एज यू आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ वाई. सुनो MRS का फॉर्मूला होगी हम लोग का डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, MRS का फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब बताओ, चेंज इन कॉमोडिटी वाई बाई चेंज इन कॉमोडिटी, ठीक है, और ये रेशियो राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, ये जो रेशियो है राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, इसलिए लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई. Which states as we go on consuming more and more of commodity Y, we need to forego lesser and lesser of commodity X to maintain the same level of satisfaction. Therefore, indifference curve is convex to the origin. That is the ratio delta Y by delta X keeps on falling ki rising. Clear hai yahan tak? Ab suno, ye jo delta Y by delta X hai, can I say it is also the slope of this curve? बचपन में tan theta सीखे होगे, स्लोप निकालते होगे, तो स्लोप कैसे निकलता है, चेंज इन y बाई चेंज इन x, चेंज इन y बाई चेंज इन, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो नोन एज MRS. IC कर्व का जो स्लोप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, MRS. उसका फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा y बाई डेल्टा. तो एग्जाम में पूछते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बोलोगे, या MRS का और एक नाम क्या है, स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन y बाई चेंज इन x. सम्स कर लो किसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग इट टू यू, उतारना नहीं है, खाली बोर्ड में करोगे, ऑल राइट. फाइंड MRS क्या होगा, चेंज इन वाई बाय चेंज इन वाई कितना है, बाय चेंज इन एक्स कितना है, साइन नहीं लेना है एज यूजुअल, ठीक है, तो 1/6 MRS क्या हो गया मेरा 1/6. तुमको ये दे देगा सम और बोलेगा स्लोप निकाल के दो IC कर्व का, तो डर मत जाना, स्लोप किसको बोलते हैं, MRS. MRS का फॉर्मूला तुमको आता है, डेल्टा y बाय
चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। चेंज मतलब समझ में आता है ना, अभी तक कितना सारा सम चेंज का कर चुके हैं, ठीक है? इज इट क्लियर विद यू? अब सुनो, इंडिफरेंस कर्व का जनरल शेप क्या है? कॉन्वेक्स। बट कभी कभी इंडिफरेंस कर्व का शेप कुछ और भी हो सकता है। इफ द इंडिफरेंस कर्व वॉज नॉट कॉन्वेक्स बट इट वॉज अ स्ट्रेट लाइन, इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता, क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है ही, बट कैसा है? स्ट्रेट लाइन। इन दैट केस क्या होगा ना, तुम जितना टू यूनिट्स ऑफ एक्स बढ़ा रहे हो तो टू यूनिट्स ऑफ वाई फॉरगो कर रहे हो। एवरी टाइम चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन, जितना एक्स खा रहे हो उतना वाई कम कर रहे हो। दिस इंडिकेट्स गुड्स आर डैश इन नेचर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एग्जैक्टली एक दूसरे का क्या है? सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल टाटा टी एंड और एक टी का नाम बताओ ना, डार्जिलिंग टी, रेड लेबल, ताज। तो अगर अपने टी में तुम एक चम्मच टाटा टी का डालते हो, टाटा टी नहीं मिला तो रेड लेबल का भी कितना डालोगे? दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बट गुड़ एंड शुगर आर दे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट? दोनों ही मीठा होता है, लेकिन गुड़ जहाँ इतना सा डलेगा वहाँ चीनी उसका डबल डलता है, समझ में आ रहा है? तो वो हो गया मेरा कॉन्वेक्स वाला। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होगा? लाइन वुड बी आर स्ट्रेट, एंड इन दैट केस डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, यानी एम आर एस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एम आर एस रिमेन्स, वहाँ एम आर एस फॉल नहीं होता है, एम आर एस क्या रहता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इफ डिफरेंस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, गुड्स आर डैश इन नेचर। खाली सब्स्टिट्यूट नहीं बाबा, सब्स्टिट्यूट तो उसमें भी है ही, कॉन्वेक्स में भी, तभी तो इसको बढ़ा रहे थे इसको कम कर रहे हैं, बट यहाँ क्या है? परफेक्ट, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद इन दैट केस एम आर एस विल रिमेन, एम आर एस फॉल्स कॉन्स्टेंट राइजेस, क्या बोलोगे? एम आर एस विल रिमेन, समझ में आया? अगर इंडिफरेंस कर्व इसकी जगह कुछ और होता, एल शेप्ड होता लाइक दिस, एल मतलब तो यही हुआ, एल शेप का मतलब होता है टू स्ट्रेट लाइंस बेंट एट अ राइट एंगल, टू स्ट्रेट लाइंस बेंट एट अ, इट इंडिकेट्स गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, इट इंडिकेट्स गुड्स आर परफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एक गुड्स है तो उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? अगर तुम एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा को भी क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? ब्रेड बढ़ा रहे हो तो बटर भी तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है ब्रेड खा रहे हो तो बटर कम। बोथ आर व्हाट इन नेचर? कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन बढ़ाना चाहिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में? तो यहाँ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होने वाला है? जीरो, कैन नॉट बी डिफाइंड। एम आर एस हियर कैन नॉट बी डिफाइंड। सो इफ इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप, गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री एंड एम आर एस कैन नॉट बी। क्लियर है यहाँ तक? क्या इंडिफरेंस कर्व कभी भी कॉनकेव हो सकता है? कॉन्वेक्स तो पढ़ लिए, कॉनकेव हो सकता है? दिस विल इंडिकेट एम आर एस इज राइजिंग, एंड दैट इज टोटली एब्सर्ड, दैट इज टोटली एब्सर्ड। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? व्हाट इज एक्चुअल शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? कॉन्वेक्स। व्हाई इट इज कॉन्वेक्स? अरे अभी तो बताए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर। एम आर एस गिरता है तभी तो कॉन्वेक्स होता है ना। एम आर एस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। एम आर एस इज ऑल्सो नोन एज स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है? यानी दिस लॉ स्टेट्स एज यू गो ऑन कंज्यूमिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर वन कमोडिटी यू नीड टू फॉरगो लेसर ऑफ अदर कमोडिटी टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता तब क्या होता? गुड्स आर परफेक्ट एंड एम आर एस विल रिमेन। अगर एल शेप्ड होता इंडिफरेंस कर्व तब क्या होता? एंड एम आर एस कैन नॉट बी। और अगर कॉनकेव होता तब क्या होता? होता ही नहीं, एब्सर्ड, ठीक है? कॉनकेव पॉसिबल ही नहीं है। ये तो फिर भी पॉसिबल है, एल शेप्ड और स्ट्रेट लाइन, बट कॉनकेव इज नेवर पॉसिबल। क्लियर है? दिस कंप्लीट्स योर थर्ड फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एनी डाउट? फर्स्ट फीचर क्या था? हायर इज द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। पॉइंट नंबर टू, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटीज आर इनवर्सली, याद आ रहा है ये सब? और पॉइंट नंबर थ्री, इंडिफरेंस कर्व इज, अब कभी भी ये मत बोलना कॉन्वेक्स इज बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन के कारण तो वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप। कॉन्वेक्सिटी तो किसके कारण है? लॉ के कारण। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मत बोलना, एंड ऑप्शन नंबर ए विल बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? दैट इज रॉन्ग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ, इफ इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड, गुड्स आर, इफ इफ इट इज स्ट्रेट लाइन, इफ इट इज सब्स्टिट्यूट, देन एम आर एस विल रिमेन। और एम आर एस फॉल कब करता है? इफ द शेप इज, कैन इट बी एवर कॉनकेव?
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ एसी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एमआरएस? देयरफॉर एमआरएस इज आल्सो नोन एज स्लोप ऑफ एसी. हु इज एसी? ठीक है. लास्ट पॉइंट, लास्ट फीचर. टू आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर